ओके भाई, राम राम जी। आज है 20 जून 2021, अपनी यात्रा का छठा दिन है। बाइक में रीडिंग है 36920 और यहाँ से खारदुंगला पास 40 किलोमीटर, जिसमें हमें 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे। तो डायरेक्ट में भी उससे पहले कोई ऐसा पॉइंट ना है जहाँ हमें रुकना पड़े। अगर व्यू अच्छा आ गया तो रुकना भी पड़ सकता है, नहीं तो मेरा प्लान है डायरेक्ट खारदुंगला पास के आसपास रुकने का। वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएंगे, ब्रेकफास्ट वहीं पे करेंगे। राम राम जी, आज है 20 जून 2021, रविवार का दिन है, सुबह 7 बजे का समय हुआ है। अभी हमें लेह लद्दाख में आज का अपना प्लान है खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली हुंदर में रुकने का। तो देखते कितने बजे तक पहुंचते हैं, कितने बजे तक नहीं, क्योंकि देखते हुए जाएंगे, व्यू ज़बरदस्त मिलेंगे, शायद खारदुंगला के आसपास बर्फ़ भी देखने को मिल जाए। तो मैंने टंकी फुल करवा ली है, 500 अकल डलवाया था, 460 का आज हुआ है, और उससे अलग दो कैनी में 2.5 लीटर की है उसमें डलवा लिया है। तो टोटल 1200 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया अभी, 500 अकल डलवाया था 1700 रुपये का। मे बी ये मुझे पूरा सर्किट करवा देगी, इससे ज़्यादा मेरी बाइक में लगना नहीं, क्योंकि प्लेटिना बाइक है। ये मैंने इसलिए ले लिया कि इमरजेंसी में कहीं ज़रूरत पड़ जाए, मुझे नहीं तो किसी को ज़रूरत पड़े, तो इसलिए ले लिया मैंने। बाकी चलो जल्दी से चलते हैं खारदुंगला पास की तरफ, बाय। और 100 मीटर आगे से हम मैन हाईवे पे चढ़ जाएंगे जो खारदुंगला के लिए जाएगा, और नीचे वो जो देख रहे हो ना पूरा ले था। तो ले सिटी से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे आने के बाद ये मैन हाईवे टच होता है, जो सीधा नुब्रा वैली हुंदर या खारदुंगला पास के लिए बोल सकते हो आप। देखिए तो मेन हाईवे पे आ गए हैं खारदुंगला ले रोड, यहाँ से 34 किलोमीटर है, वहाँ से मैंने 40-41 बताया था, तो लगभग लगभग 6-7 किलोमीटर हो गया। साउथ पुल्लू 20 किलोमीटर, खारदुंगला 34 किलोमीटर। बिल्कुल पूरी रेस दे रखी है, फिर भी 40 से ऊपर नहीं जा रहे, जिसमें ढलान है। वाह जी वाह। लो भाई, परमिट चेक हो गया है, ओरिजिनल परमिट को देख रहे हैं और एक फोटोकॉपी साथ में रख ली। ये है अपना साउथ पुल्लू, साथ में उस पर पूछ रहा था कि बाइक नंबर लिखा हुआ, मैंने कहा नहीं, कहीं पे मांगा ही नहीं, तो फिर उन्होंने बाइक नंबर मोबाइल नंबर और लिख लिया है। ठंड बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा, राइडिंग जैकेट से अलग एक जैकेट और पहन रखी है, तब भी ठंड लग रही है। और रियली ऊपर चढ़ाई चढ़ रही ना, तब भी परेशानी हो रही है बाइक में। पहली बार मुझे अभी ये लगा खारदुंगला जाते टाइम कि हाँ बाइक थोड़ी परेशान कर रही है, मतलब रुक नहीं रही, लेकिन आप पूरी रेस दे रहे हो ढलान पे भी, फिर भी 40 से ज़्यादा स्पीड नहीं भाग रही और सांस चढ़ रहे भाई बार बार, कभी आप सोचो क्यों हाफ हाफ रहा है, बोलते टाइम बहुत सांस चढ़ रही है, अगर 4 सीढ़ियाँ भी चढ़ लें तब भी बहुत सांस चढ़ रहे हैं। ओ भाई, और कल तो शांति स्तूपा पे चढ़ा, तब 530 सीढ़ियाँ चढ़ दी, खतरनाक यार। लो जी, सामने बर्फ देख रहे हो, वो बेटे मजा आ गया, और शायद ये छोटी छोटी स्नो हो रही है, शायद 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 शायद। ओ भाई प्लेटिना, आई लव यू। वो बेटे बर्फ दिखने लग, जो आपको रोड पे ना पानी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये बर्फ के कारण दिख रहा है। कभी ये सोचो बारिश बारिश आ रखी है, बारिश का कोई सीन नहीं है, साइडों में भी थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही होगी आप लोगों को। खारदुंगला आ रहा हूं यार, खारदुंगला देखो, उस तरफ भी बर्फ, उस तरफ भी बर्फ, और वहां बर्फ से अंदर से जाएंगे हम। यस यस, मजा आ गया भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, पहुंच गए सर। नहीं अभी खींचूंगा, हाँ हाँ रोकेंगे सर। सर से मिलो भाई, सर से। सर सुनो, ये सब छोटी छोटी है ना सर, सुनो ये सर, ये ओ बेटे, ये अपनी प्लेटिना बाइक है, देसी यात्री विकास, और ये इस तरफ से स्नो, देखो 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 देखो। राम राम जी, खारदुंगला से 2 से 3 किलोमीटर पहले है और स्नोफॉल हो रही है, व्यू जबरदस्त है, मेरे पीछे आप बर्फ देख सकते हो, चारों तरफ बर्फ है। तो सोचा क्यों ना एक छोटी सी क्लिप बना दी जाए और आप लोगों को दिखाई जाए, स्नोफॉल हो रही है, बिल्कुल छोटी छोटी हो रही है, जैसे रूंगते नहीं उठते वैसे हो रही है, छोटी छोटी, लेकिन मजा आ रहा भाई साहब, ठंड जबरदस्त है। हैंड ग्लव्स पहन रखे हैं, लेकिन एक और हैंड ग्लव्स पहनना पड़ेगा जो उनके हैं,
पहले वे पहनने पड़ेंगे, उसके बाद दूसरे पहनने पड़ेंगे। ठंड जबरदस्त है, मौसम जबरदस्त है, व्यू जबरदस्त है। ये देखो एक बार अब। एक नंबर बाइक भाई साहब, एक नंबर। चलो खार दुंगलों में चलते हैं, वहां दिखाएंगे। थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी। व्यू देखो भाई, बर्फ ही बर्फ है और रोड भी कच्चा आ गया। मेरे हिसाब से खारदुंगला पास स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जितने भी पास बनाते हैं ना, ये मोस्टली उनको कच्चा ही छोड़ते हैं एडवेंचर के लिए, या और किसी रीजन से मुझे नहीं पता। लेकिन बर्फ ही बर्फ है, शीशे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। जो ये स्नो गिर रही ना थोड़ी थोड़ी, इसके कारण कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर थोड़ा सा शीशा खोलते हैं तो फिर हवा लग रही बिल्कुल ठंडी ठंडी। साहब आप बर्फ देख पा रहे होगे, दोनों तरफ बर्फ है और वैसे भी गिर रही स्नो, जैसा कि आप देख रहे हो। स्नो गिर रही मेरे भाई, स्नो। वेलकम टू खारदुंगला। लो जी, खारदुंगला पहुंच चुके हैं। यहां पे भी स्नो फॉल हो रही है। ये वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइट खारदुंगला, एल्टीट्यूड 17982 फीट। राम राम जी, खारदुंगला टॉप पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि हम मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हो। वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइट खारदुंगला, एल्टीट्यूड 17982 फीट। और यहाँ पे स्नो फॉल हो रही है जैसा कि आप देख रहे हो। अगर नहीं दिख रही तो एक बार दोबारा राउंड करके दिखा दूंगा। मजा आ गया भाई, मजा एक नंबर का। अभी तक जो मैंने पूरी ऑल इंडिया राइड की ना, उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे यहाँ पे लगी। जो सीधा हाईवे था या ढलान थी ना, उस पर भी 40 से ज्यादा स्पीड नहीं जा रही थी, और जो टॉप था उस पर तो 20 से ज्यादा जा ही नहीं रही थी, चाहे आप दूसरे गियर में ही ले क्यों ना लेके चलो। तो अभी स्नो फॉल हो रही है, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। एक बार आपको व्यू दिखाते हैं। खारदुंगला कैफे, हाईएस्ट कैफे इन द वर्ल्ड। अभी ना मेरे पीछे ना एक यहाँ पे कैफे है, पता नहीं कितनी, 18390 हाइट पे है, वर्ल्ड में टॉप पे बता रहे हैं। लेकिन मैंने यार एक और देखा था, वो भी टॉप पे बता रहे थे। इनकी दोनों की मैच करके देखूंगा कौन सा ज्यादा हाइट पे है। यहाँ पे स्नो फॉल हो रही है, अभी भी व्यू जबरदस्त है। 10-15 मिनट हो गए हमें, तो स्नो फॉल के कारण सारी चीजें भीग रही है, कैमरा भी भीगने का रिस्क है। तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। अभी भी जितनी दूर तक हम देख रहे हैं ना, हट पे बर्फ ही बर्फ दिख रही है। मजा आ गया भाई साहब, मजा। अभी तक जो राइड की ना मैंने, ले लेता कि उसमें सबसे ज्यादा मजा यहाँ पे आया है खारदुंगला। ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी भाई, बड़ी मुश्किल से हुई है। ये हो गया अपना खारदुंगला। अभी यहाँ से नीचे जा रहे हैं, पहाड़ों पे बर्फ देख सकते हो आप, देख सकते हो आप चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस तरफ पूरी ऊपर तक बर्फ ही बर्फ है, बोला भी नहीं जा रहा यार। खारदुंगला टॉप। और ज्यादा हो गई स्नोफॉल, देख सकते हो आप। को अप्रिशिएट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अपन नुब्रा वैली में जरूर मिलेंगे सर, है ना। चलो ओके, थैंक यू, वेलकम टू नुब्रा वैली। थैंक यू, थैंक यू। 12 महीने बर्फ पड़ती है भाई? हां 12 महीने। तो ऐसा भी होता है कि रोड पे बहुत ज्यादा बर्फ हो जाए और चला नहीं जाए? पहुंचता है ना, अभी 2-3 दिन पहले मैं आया था यहां से। अच्छा, रोड पे भी बर्फ है? रोड पे भी बर्फ था। अभी यहाँ जो कंटिन्यूस गिरेगा तो रोड पे भी गिरेगा। अच्छा विकास, सुनो गाड़ी स्लो चलाना है ताकि फिसलन हो जाएगी बर्फ एकदम। कितनी दूर है यहाँ से? अगर नुब्रा वैली रुकना, उंदर रुकना पड़ेगा हमें? उंदर रुकेंगे। वहाँ का लेकर रखा परमिट, लेकिन आज आज तो नहीं जा पाएंगे। आज
शाम तक आप तुर्तुक पहुँच जाएंगे। तो तुर्तुक में रुक स्टे करें हम, उधर भी होटल है, आप उधर तुर्तुक में स्टे करें फिर हम, और आते टाइम कल हुंदर नूबरा वैली देखते हुए फिर पेंगो के लिए निकल जाए। ओके थैंक यू, थैंक यू। ये भाई नूबरा की हैं, लोकल बंदे हैं, तो ये बता रहे थे अभी। थैंक यू भाई। अच्छा तुर्तुक के आप अभी सुनो हो रही है जैसा कि आप देख रहे हो, और कुछ नहीं दिख रहा, बस बर्फ 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 बर्फ। चलो भाई चलते हैं जल्दी से, चले सर। ये अपनी बाइक ऑल इंडिया सोलो राइड प्लेटिना 2 सीसी ले रखी है, 2.5 लीटर की एक ये है, एक वो है, मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, सर को जरूरत पड़ेगी। बर्फ देखो, बर्फ देखो, देखो भाई बर्फ देखो। ये अरे तू पलू, तू वहां से ऊपर आ गए तो ना अकेला, मेरे डर लग रहा था मेरे जीरो पे आ गए थी गाड़ी। चलो आप आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ, ठीक है। ओके ओके सर, चलो भाई चलते हैं। सुनो ज्यादा होने लग गई, देख सकते हो आप, सुनो ज्यादा हो गई। अपना प्लान रुकने का था भाई साहब आज हुंदर और नूबरा वैली देखने का प्लान था, लेकिन अभी एक बंदे मिले हैं नोकल भाई हैं, वे तुर्तुक से ही हैं, वो बोले आप सीधे तुर्तुक जा सकते हो आप, और वहां पे स्टे करो, घूमो और अगले दिन वहां से आओ। क्या हुआ सर? हाँ तो चलते रहो ना, क्या हो गया? मजा तो आएगा सर, पहली बार इतनी देखी मैंने। हाँ बर्फ बहुत ज्यादा हो गई भाई, बहुत ज्यादा। अगर मैं हेलमेट खोल के चला रहा हूँ तो आंखों में लग रही है, जलन हो रही है, कैसी बर्फ है पता नहीं। धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे बूंद आती ना वैसे लगने लगी है हेलमेट पे, पहले इतनी लगती, पहले रूई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट धीरे धीरे आ रही थी, अब थोड़ी सी तेज हो गई है। लो जी खारदुंगला पास से नीचे उतर रहे हैं, अगर रोड कंडीशन की बात की जाए तो 100-200 मीटर के 2 से 3 पैचअप लगा लो जो थोड़े से ख़राब है, बिल्कुल ख़राब उनको भी नहीं कह सकते, थोड़े से ख़राब है, और उसके आगे पीछे तो भाई साहब बिल्कुल A1 रोड है जैसा कि आप देख रहे हो। पहले तो स्पीड कम चल रही थी, चल ही नहीं रही थी क्योंकि ऊपर जा रहे थे ना, अब तो भाग रही है बढ़िया। ओ भाई बच गए बच गए बच गए बच गए, ब्रेक मारता तो फिसलता, नहीं मारता तो फिसलता। 2-3 बार ट्राई की ब्रेक मारने की, लेकिन फिर छोड़ा, कूद ही जाओ, हैंडल को कस के पकड़ लिया। ओ भाई धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा, मैं सोचा रोड बढ़िया भगा ले। देख रहे हो क्या सोता भाई, वो ऊपर छुट गया क्या सर? ये पता नहीं क्या था, अगर भाई किसी भाई को पता हो कि ये क्या है तो बताना यार, बहुत भारी था, मैं तो एक बार डरी गया देख के, मगाओ भाई कर दिया काम वास्ते ने, फिर माना को ना करा बाइक पंपा उठा लूंगा, कुत्ते ना पड़ सकते रही हो कि सौदा गए हैं। लो जी पहुंच चुके हैं नॉर्थ पुल्लू, देखते हैं अगर यहाँ पर कुछ खाने को मिलता है या नहीं मिलता, बस चाय चाय मिल जाए यार, बहुत है, बहुत ठंड लग रही है। जो खारदुंगला है ना उससे पहले साउथ पुल्लू आता है, ये नॉर्थ पुल्लू है, साउथ पुल्लू पे ही अपना परमिट चेक होता है। राम राम जी, आज है अपनी यात्रा का 141वां दिन ऑल इंडिया राइड का, और लेह लद्दाख का 6ठा दिन है। अभी कल हम लेह लद्दाख में रुके थे, वहाँ से सुबह चले हैं 7 बजे, हाँ 7:15 के पास चले हैं। सबसे पहले हमें साउथ पोलो पॉइंट आया जहाँ पे अपना परमिट चेक होता है, उसके बाद आया खारदुंगला पास जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है मोटरेबल रोड, उसके बाद अभी आ गए नॉर्थ पोलू, ये लगभग 60 किलोमीटर यहाँ से, और जो खारदुंगला पास है वो 40 किलोमीटर दूर है। तो लगभग 60 किलोमीटर के बीच में आपको ना पानी पीने के लिए, ना तेल के लिए, ना भोजन के लिए, ना हवा के लिए कुछ नहीं मिलेगा 60 किलोमीटर के बाद, या नॉर्थ पुल में मिलेगा। और आपके 2 परमिट चेक होते हैं, पहला साउथ पुल में और दूसरा नॉर्थ पुल, इसके बाद आगे देखते हैं कहीं चेक होता है या नहीं होता। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में पराठा लिया है, तो चलो खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। ये पराठा भाई साहब आलू का, ये खाते हैं उसके बाद चाय पीते हैं।